उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां तहसीलदार की कार नहर में गिर गई और इस हादसे में तहसीलदार समेत तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों के शव निकाल लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजनौर के नजीबाबाद की सरवनपुर नहर में देर रात रुड़की की तहसीलदार की सरकारी गाड़ी गिर गई। तहसीलदार सुनैना राणा अपने अर्दली ओमपाल और ड्राइवर सुंदर सिंह के साथ नैनीताल से रुड़की वापस जा रहे थे, लेकिन नजीबाबाद से 4 किलोमीटर पहले नहर पुलिया की रेलिंग को तोड़कर कार नहर में जा गिरी। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे, एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, एसडीएम ब्रजेश कुमार सिंह, सीओ प्रवीण कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। काफी तलाश के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। वहीं क्रेन की ओर तरफ से कार को नहर से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दानिश मिर्जा जुड़ चुके हैं। दानिश, घटना है, इस बारे में ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं आपको बताता चलूं, ये जो पूरा मामला है ये थाना नजीबाबाद के NH 74 सलवनपुर का मामला है, जहां एक अनियंत्रित कार जो है पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में गिर गई, जिसमें बहुत तेजी से पानी का बहाव था और वो गाड़ी जब तक निकाली गई जब तक वहां तीन लोगों की मौत हो गई। निकलने के बाद पता चला कि रुड़की में तैनात तहसीलदार जो है किसी कार्य से नैनीताल गए थे, जो वापसी कर रुड़की जा रहे थे, रास्ते में ये सड़क हादसा हो गया। जी पूजा, दानिश लगातार ऐसे कई सारे हादसे भी देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन है वो कोई तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार ऐसा होता है कि जो भी है कार, वो जो भी बैरिकेडिंग लगी होती है उसको तोड़कर नहर में जा गिरती है या फिर नदी में जा गिरती है। उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन है उसको क्या काम करना चाहिए? जी बिल्कुल पूजा, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन के भी इसमें चूक, हम आपको बता दें, क्योंकि हाईवे पर जो है इस टाइम 4 लेन का काम चल रहा है, भूल चूक में ड्राइवर को नींद आई या उसकी वजह से ये सड़क हादसा हुआ। जी पूजा जी बिल्कुल, तो इस तरीके अभी इस मामले में क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? क्या प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई सहायता परिवार को दी गई है? क्या कोई मुहैया कराई गई है? देखिए पूजा, बिल्कुल मौके पर जो है बिजनौर DM रमाकांत पांडे जी और SP डॉक्टर धर्मवीर जी मौके पर हैं और वहां पर आला अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं। शव को निकाल लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि घटना यूपी के बिजनौर की है, जहां पर एक कार नहर में जा गिरी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और जिसमें तहसीलदार समेत तीन लोग शामिल हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।